हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की के आटे में आलू डाल के वाली पराठा। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमने डाल लिए इसमें मक्की का आटा। अब हम ये आलू हैं जो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, इसको तो आप चाहें हाथ से भी ऐसे प्रेस करके ऐसे डाल सकते हैं, या आप कद्दूकस के साथ भी इसको कद्दूकस कर सकते हैं। आलू जो है हम ऐसे हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल देंगे, सारे ऐसे ही मैश कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए प्याज, एक प्याज है जो मैंने डाला है इसमें काट के। लहसुन अदरक और हरी मिर्ची जो है उसको अभी हम ग्राइंड करेंगे। ये हमने लहसुन और अदरक को भी पीस लिया है। अब हम डालेंगे ये धनिया, धनिया को हम काट के इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक मैं 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दूंगी। और इसमें जाएगा ये गरम मसाला और लाल पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये डालेंगे हम इसमें, लाल मिर्ची पाउडर। इसमें 1 चम्मच के करीब है मेथी, मेथी को हम ऐसे हाथ से क्रश कर देंगे, फिर ऐसे डाल देंगे इसमें। एक चम्मच के करीब ही हम ये अजवाइन लेंगे, इसको भी ऐसे क्रश करके ऐसे इसमें डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे, देखेंगे कि कितना पानी इसमें और डलेगा। ये आटे को हमने ऐसे मलना है, आटे को हम ऐसे ही मलेंगे, 2 मिनट तक ऐसे ही इसको मलना होता है, जिससे रोटी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है और बीच में टूटती नहीं है रोटी। देखिए हमारा डो जो है आटे का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। अब इसका रोटी बनाएंगे। अब हम ऐसे पेड़ा ले लेंगे और ऐसे इसको रोल करेंगे। देखिए ऐसे गोल हो गया बिल्कुल हमारा। आप इसको हाथ पे भी बना सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप इसको पॉलिथीन के ऊपर भी बना सकते हैं, आसानी से ये बन जाएगा। तो ये मैंने इसको पॉलिथीन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और ये हमने पेड़ा ले रखा है। ऐसे इस पे हल्का सा हम पानी लगाएंगे और ये इसके ऊपर हमने ऐसे 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 चलाना है इसको। देखिए हमारी रोटी जो है वो पूरी ऐसे बन चुकी है। अब हम तवा मैंने गरम कर लिया और इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर ये मक्की की रोटी को ऐसे डाल देंगे। मक्की की रोटी को हमने ऐसे करके ही डालना है, अगर हम ऐसे डालेंगे तो इसके ये जो यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं तो वो नहीं बनेंगे। अगर हम ऐसे फेंक देते हैं तो उससे ये जो क्या है यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं और रोटी हमारी थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। इससे बर्तन के साथ हम ऐसे इसको निकालेंगे तवे से। हमारी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने इसको तला नहीं है, आप इसको बटर के साथ खाइए और साथ में मिर्ची का अचार लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू एंड बाय बाय।